हेलो फैमिली, एंजल की रसोई में आपका स्वागत है। कैसे आप सब? कभी कभी हमारे घर में बहुत सारी स्वीट बच जाती है या हम कोई स्वीट खा के बोर हो जाते हैं, तो उन स्वीट्स का क्या किया जाए। जैसे मेरे घर में आटे के लड्डू वैसे तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, बट गर्मी के मौसम के वजह से लड्डू यहाँ वहाँ घूम रहे थे, तो मैंने भी एक रेसिपी बना ली जैसे लड्डू भी ना फेंकने पड़े और रेसिपी भी बन जाए। तो मैंने बनाई है लड्डू से आइसक्रीम। ये देखिए बच्चों की फेवरेट आइसक्रीम, जो कि इतनी यम्मी है, इतनी डिलीशियस है। आप रेसिपी ज़रूर देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। कभी कभी आपको भी बनानी पड़ेगी ऐसी आइसक्रीम। तो देखिए चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम मिक्सी जार में डालेंगे हम मिल्क। मैंने आधा गिलास लिया है और उसमें आधा कप मलाई भी है गाढ़ी वाली। तो देखिए 2 स्पून डालने हैं कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि ये हम कुक नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, बस मिक्सी जार से सीधा फ्रीज़र में जमने जाएगी ये आइसक्रीम। तो इजीली है एकदम, आप जब भी मन चाहे बना सकते हैं। तो देखिए 4 स्पून मैंने शक्कर डाल दी। अब 2 स्पून डालेंगे हम इसमें मिल्क पाउडर। इलायची पाउडर मैं डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालें। और ये अमूल का मैंने 2 स्पून मिल्क पाउडर लिया है, मैंने सब एक ही स्पून से मेजरिंग किए हैं। तो देखिए 2 लड्डू मैं डाल रही हूँ। आइसक्रीम में मैंने ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं डाले हैं, क्योंकि लड्डू पहले से ही बुने हुए हैं, आटा बुन के बनाया जाता है, तो इसमें कच्चापन बिल्कुल नहीं है। और इसी स्पून से 2 स्पून कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। मैं नेस्ले का कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करती हूँ। तो देखिए कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद हमें ढक्कन लगा देना है और इसको चर्न करना है। अगर आप वनीला एसेंस पसंद करते हो तो थोड़े से वनीला एसेंस के ड्रॉप्स डाल दीजिए। तो देखिए एक कंटेनर में मैं पूरा मिश्रण डाल रही हूँ। अब सिल्वर फॉयल से इसे कवर करेंगे अच्छे से। सिल्वर फॉयल से कवर करने से इसके ऊपर बर्फ़ के क्रिस्टल नहीं जमते हैं, और इसके ऊपर हम फिर ढक्कन लगा देंगे अच्छे से पैक करके। फ्रीज़र में हम रख देंगे आइसक्रीम को, कम से कम फ्रीज़र में हम 5 से 6 घंटे तक आइसक्रीम को रख देंगे। तो 5 घंटे हो चुके हैं, मैंने आइसक्रीम निकाल दी है। मैं आपको ढक्कन हटा के दिखाती हूँ कितनी बढ़िया आइसक्रीम बनके रेडी हो गई है। तो देखिए आप डब्बे से निकाल के भी कटिंग कर सकते हैं, या तो आइसक्रीम कटर से भी निकाल सकते हैं। तो ये पूरी फैमिली के लिए आइसक्रीम बनके रेडी हो गई है, सिर्फ 2 लड्डू और आधा ग्लास दूध। तो देखिए कितनी बढ़िया एंड थिक आइसक्रीम बनके रेडी हो गई है हमारी। तो आपको रेसिपी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। अब से आपके घर में भी लड्डू कभी भी आए या मन ना करे खाने का, तो ये आइसक्रीम बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसमें अपने मन चाहे चाको चिप्स या ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, तो मैंने कुछ ऐड नहीं किया है इसके ऊपर। हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी चाको चिप्स के साथ और चाकोस के साथ एंड चॉकलेट सिरप के साथ। तो देखिए कितनी बढ़िया आइसक्रीम लग रही है ना, आ रहा है आपको यकीन, ये आटे के लड्डू से बनी हुई आइसक्रीम है और विदाउट कुक किए हुए ये आइसक्रीम बनके रेडी हुई है। तो इसी तरह मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।